चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको पुणे से बता रहे हैं, जहां गूगल ऑफिस में बम की धमकी भरा फोन आया है। जी हां, कल रात गूगल ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और पुलिस और BDS की एक टीम को जो है रात में ही तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुणे से, जहां गूगल के ऑफिस में एक धमकी भरा फोन कॉल आया रात को और ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें, अज्ञात कॉल को ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच पुणे पुलिस और BDS की टीम कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुणे से, जहां गूगल ऑफिस में एक धमकी भरा फोन कल रात को आया और कॉल को ट्रेस कर आरोपी को पकड़ लिया गया। पूछताछ जारी है कि उसने आखिर ऐसा धमकी भरा फोन क्यों किया। फिलहाल पुलिस और BDS की टीम जो है जांच में जुटी है। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हम अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुरेश जुड़ चुके हैं पुणे से। सुरेश, पुणे के गूगल ऑफिस में धमकी भरा फोन कॉल आया, क्या कुछ जानकारी है? अस्मिता, कल रात को यह धमकी भरा कॉल आया था, उसके मुताबिक उन्हें पुलिस और BDS की टीम इस आरोपी को खोजने में जांच में जुड़ी थी। उसी दौरान वो कॉल को ट्रेस किया गया और आरोपी को तेलंगाना से पकड़ा गया। खबर ऐसे भी मिल रही कि जो आरोपी था उसने दारू के नशे में यह कॉल लिया था, उसका भाई पुणे में काम कर रहा था, उसका बदला लेने के लिए आरोपी ने यह गूगल के ऑफिस में कॉल करके धमकी दी। ये अभी तक और कुछ खुलासे हुए आरोपी से जो बातचीत हुई है? पुलिस और BDS की टीम जांच में जुटी है, तो उसने और कुछ बात कबूल की है कि आखिर और किस वजह से उसने ये सब किया? पुलिस के मुताबिक यही जानकारी मिली कि आरोपी ने अपने भाई का बदला लेने के लिए यह धमकी भरा कॉल लिया। और क्या सच में आरोपी ऐसा करने वाला था या ये सिर्फ बदले की भावना से ये चीज बोली गई थी, या सच में उसका इरादा ऐसे ही कुछ था? आरोपी ने बदले की भावना से ये कॉल किया था और पुणे पुलिस ने उसको तेलंगाना से अटक किया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको पुणे से बता रहे हैं, जहां गूगल ऑफिस में उस वक्त जो है तहलका मच गया जब यहां पर धमकी भरा फोन कॉल आया, पूरे ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।